फिल्म अभिनेता इरफान खान के निधन के बाद पूरे देश में और फिल्म जगत में भी शोक की लहर है। तो वहीं मुंबई से लेकर जयपुर तक फिल्म और रंगमंच जगत से जुड़े लोगों ने निधन पर अपना गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके निधन से फिल्म और रंगमंच जगत के लिए अभूतपूर्व क्षति बताया है। दुख भरा दिन है हमारे लिए। आज हम सबके बीच में हमारे चहेते कलाकार इरफान जी नहीं रहे, और इरफान जी के ना रहने से बॉलीवुड के एक बेमिसाल एक्टर की कमी हम लोगों को हमेशा खलेगी। मुझे इरफान जी के साथ काम करने का मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता हूं कि मैंने इरफान जैसे कलाकार के साथ काम किया। बैंडिट क्यून और पान सिंह तोमर में मुझे उनके साथ रहने का बहुत ही नज़दीक मौका मिला। मैंने उसे उस पल को जिया है। इरफान जी के एक अच्छे एक्टर के साथ एक अच्छे इंसान भी थी। वो छोटी छोटी चीज़ें हर छोटे कलाकार को बताते थे और उनको सहयोग करते थे। बहुत बुरा लग रहा है, मेरा बहुत अच्छा छात्र था। एक ऐसा छात्र था जो कि अपने टीचर की बात को अक्षर कॉपी बुक स्टाइल में फॉलो करते हैं, उस तरीके से उसने मेरी चीज़ें फॉलो की और हमेशा क्रेडिट दी। उसमें कभी नाम मात्र को किसी तरीके का कोई ये घमंड नहीं आया कि कोई एक बहुत बड़ा एक्टर हो गया, नेशनल अवार्ड हो गया या उसको हॉलीवुड में काम मिल रहा है। उसे कभी दिमाग में ऐसी सारी कोई चीज़ नहीं आई, ना कभी उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी रखी। बम्बई जैसी जगह पे अपने आप को पाक साफ रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई कुछ नहीं। उसने अपनी मेहनत के बूते पर सारी जगह बनाई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम उसके नाम से ऐसे लोगों को जहाँ से वो निकल के आया है, सुभाष चौक जैसे छोटे छोटे इलाकों से जब बे इंतहा टैलेंट भरा पड़ा है, उसको निकाल करके उसे ट्रेनिंग दें और उसके जैसे लोगों को बनाए, तराशें। बहुत से लोगों की तरह मैंने भी सपना देखा था कि इस कलाकार के साथ काम कर सकूं। ये काफ़ी जानी मानी शख्सियत है और इनके बारे में हर कोई जानता है। सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी कलाकारी की छाप है। आज इरफान खान साहब हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत दुखद बात है और काफ़ी शौक की बात है। जब ये खबर मुझे पता चली थी तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन ये सच है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। दो दिन पहले उनकी माता जी का इंतकाल हुआ था और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो खुश रहे। यकीनन हम लोग हमेशा उन्हें याद रखेंगे, हमारे दिलों में वो हमेशा रहेंगे। यकीन नहीं हो रहा है कि इरफान आज हमारे बीच नहीं है। वाकई बहुत ही बेहतरीन शख्सियत और उम्दा कलाकार, जिसकी मिसाल उन्होंने कायम की दुनिया के सामने। एनएसटी के हमारे दोस्त इरफान आज हमारे बीच नहीं है। जब ये समाचार सुना तो सोचा कि काश ये अफवाह हो, लेकिन सच निकला। इस दुखद घड़ी में उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त कि वो उनकी पाक रूह को सुकून अदा करे और सुतपा और दोनों बच्चों को दुख की इस घड़ी को सहन करने की ताकत प्रदान करे।